सुनील जी, जी क्या आपको लगता है आज की पीढ़ी गमों से समझौता कर लेगी? विश्व है असी का नहीं संकल्प का है, हर प्रलय का कोण काया कल्प का है। हिंदी पर मुख्य रूप से इतिहास के उन गीतकारों में से एक हैं जिन्होंने व्यापक गहराई से काम किया और जिनके द्वारा छोड़ी गई गीतों की विरासत को भुलाया नहीं जा सकता। अपना फर्ज तो निभाते हैं राह के पत्थर भी, खा के ठोकर न संभले वो इंसान कैसा। प्रणाम और आप सबका विश्व शांति दर्शन चैनल में आदर पूर्वक नमन। चैनल के जनक हैं विश्व धर्मी, विश्व शांति के उपासक प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड। विश्व शांति दर्शन का उद्देश्य समाज को सशक्त, सबल और सहिष्णु बनाना है। आप देख रहे हैं वीडियो सीरीज गीतों के बोल बड़े अनमोल, यानी वो हिंदी फिल्मी गीत जिनमें अध्यात्म छिपा है। प्रोग्राम की संकल्पना डॉक्टर सुनील देवधर की पुस्तक बड़े अनमोल गीतों के बोल पर आधारित है। डॉक्टर देवधर स्वयं डॉक्टर डॉली आउटी के साथ इस प्रोग्राम में, इस चर्चा में भाग ले रहे हैं। पिछली बार हमने साहिल लुधियानवी के लिखे गीत संसार की हर शय का बस इतना ही फसाना है, एक धुन से आना है, एक धुन में जाना है, उसके अध्यात्म पर चर्चा की थी। फिल्म थी धुन। आज के एपिसोड के गीतकार हैं इंदीवर, जिनके विषय में आपको पहले भी मैं जानकारी दे चुका हूं। इंदीवर का मूल नाम श्यामलाल बाबू राय था। बहुत देशभक्ति कविता लिखने के बाद 1940 के दशक में इंदीवर मुंबई आए। 1946 में उनकी पहली फिल्म थी जस्टिस चौधरी। बाद में उन्होंने 1983 में इसी नाम की एक और फिल्म के लिए गीत लिखे थे। वे प्रमुख हिंदी फिल्म गीतकारों में से एक थे। उन्होंने 1940 के दशक के अंत से 1990 के दशक के मध्य तक 40 वर्षों से अधिक समय तक हिंदी फिल्म उद्योग में काम किया। इस दौरान इंदीवर ने 40 के दशक में रोशन से लेकर आदर्श श्रीवास्तव और जतिन ललित तक अनेक फिल्म कंपोजर के साथ काम किया। 80 के दशक में इंदीवर की कविता का उत्साह पहले जैसी मधुर धुनों सा नहीं रहा और बदलते वक्त के साथ उन्होंने और अधिक जोशीले गीत लिखे। 80 के दशक में बहुत ही बुनियादी शब्दावली की ओर रुख किया और 1983 की फिल्म मवाली में एक गीत लिखा था जिसके बोलते झोपड़ी में चारपाई, तो उनकी इस तरह के लेखन के लिए काफी आलोचना हुई, मगर उन्होंने इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं की। यह सिलसिला 90 के दशक तक चला। इंदीवर का कल्याण जी आनंद जी के साथ लंबे समय से जुड़ाव था, विशेष रूप से 60 के दशक के दौरान जो 70 और 80 के दशक की शुरुआत में जारी रहा। इंदीवर को खास तौर पर मनोज कुमार की फिल्म पूर्व व पश्चिम के देशभक्ति गीत दुल्हन चली और है प्रीत जहां की रीत सदा मैं गीत वहां के गाता हूं, इसके लिए याद किया जाता है। इंदीवर जिनके दो टूटे विवाहों के साथ एक अशांत पारिवारिक जीवन था, उनका अंग्रेजी, संस्कृत, गुजराती, बंगाली, फ्रेंच, फारसी में साहित्य और कविता पर वर्चस्व था। घर में फर्श से लेकर छत तक किताबों से भरी पूरी दीवार थी। दार्शनिक गीतों के माहिर अगर वे करुणा रस की बात करते तो श्रृंगार रस और प्रेम काव्य में भी वे उतने ही कुशल थे। सच्चा झूठा, सफर, जॉनी मेरा नाम, पूरब पश्चिम और समझौता जैसी फिल्मों में उन्होंने उच्च क्षमता वाले गीत लिखे। 1980 की फिल्म कुर्बानी के गीत लिखकर उन्होंने अपने काम में उत्कृष्टता हासिल की। वे फिल्म निर्माता, निर्देशक को चॉइस देने में माहिर थे। हर गाने के लिए 8 से 10 मुखड़े लिखना उनकी आदत थी। उनका मानना था और दृढ़ विश्वास भी कि कवि उम्र के साथ सुधरते हैं। उनका कहना था कि गीतकारों को हरफन मौला होना चाहिए और हर समय नए विचारों के साथ आने की जरूरत है। उसके लिए हर तरह की कविता और साहित्य को पढ़कर और खुद को उजागर करके लगातार सीखते रहना चाहिए। इंदीवर के बारे में और भी जानकारी आपके साथ साझा करूंगा, मगर उसके पहले चलते हैं डॉक्टर सुनील देवधर और डॉक्टर डॉली आउटी के पास, जो इंदीवर के लिखे गीत समझौता गमों से कर लो उसके अध्यात्म में चर्चा करेंगे। फिल्म का नाम है समझौता। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल। नमस्कार, स्वागत है आपका विश्व शांति दर्शन चैनल पर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गीतों के बोल बड़े अनमोल, जो आधारित है डॉक्टर सुनील देवधर जी की पुस्तक बड़े अनमोल गीतों के बोल पर। तो आइए एक बार फिर स्वागत करते हैं सुनील जी का हमारे स्टूडियो में। सुनील जी, कैसे हैं आप? नमस्कार। नमस्ते। दुआ है। तो चलिए सुनते हैं सुनील जी आज का गीत। जी। Mm-hmm.
समझौता, गमों से कर लो समझौता, गमों से कर लो। जिंदगी में गम भी मिलते हैं, हो पतझड़ आते ही रहते हैं, पतझड़ आते ही रहते हैं के मधुबन फिर भी खिलते हैं, हो समझौता गमों से कर लो, समझौता गमों से कर लो। सुनील जी, जी क्या आपको लगता है आज की पीढ़ी गमों से समझौता कर लेगी? गमों से समझौता कर लेगी का सवाल नहीं उठता, समझौता तो करना ही पड़ेगा। मामला दूसरा है कि आज चाहे हम दुख की बात करें और चाहे किसी परिस्थिति की बात करें, टॉलरेंस जिसे आप कहते हो, सहन शक्ति, वो एकदम खत्म होती जा रही है, चुकती जा रही है। जबकि ऐसा है कि ऐसा दुख या गम सब पर आता है और कहीं ना कहीं आपको समझाना ही पड़ता है। शायर कहता है ना कि समझा रहा हूँ यूं दिले मुश्तर को हिजर में, समझा रहा हूँ यूं दिले मुश्तर को हिजर में, वो कौन है जो गमों से परेशान नहीं रहा। तो किसी न किसी पर दुख तो आता ही है और उससे आप समझौता चाहो न चाहो करना ही पड़ता है। तो सुनील जी, आज की पीढ़ी के लिए आपका क्या मैसेज है? मैसेज जैसी कोई बात ही नहीं है। जब आप अपने से नीचे देखते हो, अपने से अधिक दुख को सहन करते हो, ये महसूस करते हो कि सामने वाले का दुख हमसे बड़ा है, तब अपने आप आपको वो सहन शक्ति आ जाती है। तो जब ऐसी परिस्थिति हो तो अपने से कमतर, अपने से अधिक दुखी व्यक्ति की तरफ देखिए, तब आपको अपने आप लगेगा कि नहीं, हम तो इससे बेहतर हैं। बिल्कुल, और वहीं आपको वो संबल मिलेगा। बिल्कुल सही कहा आपने सुनील जी। सुनते हैं आगे का गीत। रात कटेगी होगे उजाले, फिर मत गिरना ओ गिरने वाले। रात कटेगी होगे उजाले, फिर मत गिरना ओ गिरने वाले। संभाले हो इंसान वो खुद संभले, औरों को भी संभाले हो। समझौता गमों से कर लो, समझौता गमों से कर लो। जिंदगी में गम भी मिलते हैं, हो समझौता गमों से कर लो, समझौता से कर लो। सुनील जी, जी सूरज निकलेगा, लिव एंड लेट लिव, हेल्प अदर्स, टेक केयर ऑफ अदर्स, ये सारी बातें तो समझ में आती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज इज समथिंग विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो आपको नहीं लगता है कॉम्प्रोमाइज करने से बेटर है कि वी शुड फाइट इट आउट? क्या कहेंगे आप? किसने मना किया है आपको फाइट करने से? फाइट तो करना ही पड़ेगा, और फाइट करने का मतलब ही है कि आपने उसे एक्सेप्ट किया और उसके बाद आप झगड़ रहे हो, उसके बाद आपका संघर्ष शुरू होता है। जब आपने उसे स्वीकार ही नहीं किया तो संघर्ष किस बात का करेंगे? इसलिए ये कहते हैं ना कि विश्व है असी का नहीं संकल्प का है, विश्व है असी का नहीं संकल्प का है, हर प्रलय का कोण काया कल्प का है। तो सुनील जी चलिए सुनते हैं आगे की लाइनें। जी सभी से होती आई, जिसने ना ठोकर खाई। भूल सभी से होती आई, कौन है जिसने ना ठोकर खाई। भूलों से सीखे जो मंजिल उसने पाई, ओ भूलों से सीखे जो कर लो, समझौता गमों से कर लो। जिंदगी में गम भी मिलते हैं, हो पत
पतझड़ आते ही रहते हैं, पतझड़ आते ही रहते हैं के मधुबन फिर भी खिलते हैं। हो समझौता गमों से कर लो, समझौता गमों से कर लो, समझौता गमों से। सुनील जी, ये लाइनें सुनने के बाद आई थिंक फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस। निश्चित रूप से, क्योंकि गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के चल चले। गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो कहीं ना कहीं आपको संघर्ष करना पड़ता है, आपकी असफलता ही आपकी सफलता की पहली सीढ़ी है, और रास्ते में जो कुछ भी मिलता है कहीं ना कहीं वो आपको संकेत करता है, आपको सबक देता है। अपना फर्ज तो निभाते हैं राह के पत्थर भी, खा के ठोकर न संभले वो इंसान कैसा। तो आप जब राह का पत्थर भी एक ठोकर आपको मार देता है तो वहाँ भी आपको एक सबक है, और अगर आप उससे कुछ सीख जाते हैं तो आप सफलता के अगले कदम की ओर बढ़ जाते हैं। बहुत सुंदर सुनील जी, इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं, अगली बार फिर भेंट होगी आपसे। वेलकम बैक, एक बार पुनः आपका स्वागत। कहानी चल रही है गीतकार इंदिवर की। 65 साल की उम्र में इंदिवर ने हिंदी, उर्दू, पंजाबी, अंग्रेजी, मराठी, गुजराती, बंगाली, फ्रेंच, फारसी और अरबी में किताबें पढ़ना शुरू किया। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि इस पठन पाठन से अपनी और मूल शैली की कविता को और भी उभारने का मौका मिलता है। लता जी ने एक बार इंदिवर से कहा था कि उनके एक गीत ने उन्हें कवि प्रदीप जी के लिखे गीत की याद दिला दी। दरअसल लता जी ने इस बात को बतौर तारीफ के तौर पर कहा था, मगर इंदिवर ने स्वयं को इस मामले में असफल समझा, क्योंकि उन्हें लगा कि अनजाने में उनका गीत कवि प्रदीप के गीत की कहीं नकल तो नहीं बन गया। उनकी सफलता की रेसिपी का आखिरी हिस्सा उनकी ये भावना थी कि एक अच्छे कवि को मानवता से प्यार होना चाहिए। उनका कहना था कि संगीत से अधिक महत्वपूर्ण गीतों के बोल हैं। अच्छा संगीत भी मूल रूप से मनोरंजन है, लेकिन कविता या गीतों के बोल आपको सिखाते हैं कि जीवन से सर्वश्रेष्ठ कैसे लिया जा सकता है। इंदिवर ने मनोचिकित्सक कविता भी खूब लिखी। उनके कुछ गीतों ने तलाक, पलायन, आत्महत्या और अन्य बुराइयों को रोका। 1990 की फिल्म जुर्म में इंदिवर द्वारा लिखा गीत जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना मेरा साथ, ओहम नवाज ने यूके में रहने वाली एक भारतीय विधवा को आत्महत्या करने से रोका। इसलिए वहां एक भारतीय रेडियो स्टेशन ने कई वर्षों तक हर दिन इंदिवर के सम्मान में गाना बजाया। महिला ने आभार जताते हुए फिल्म के निर्देशक महेश भट्ट को पत्र भी लिखा था। एक अन्य समय में संगीतकार कल्याण जी आनंद जी ने उल्लेख किया था कि कैसे एक प्रशंसक ने उन्हें एक पत्र के पन्नों के भीतर, जी हाँ, एक फूल भेजा था। इंदिवर ने जब ये सुना तो कहा, ठीक है, हम इस पर एक अच्छा गीत लिख सकते हैं। और इस तरह इंदिवर द्वारा फिल्म सरस्वती चंद्र के लिए फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है, इस गीत का जन्म हुआ था। 80 के दशक में गीतों के लिए कुछ भद्दे और कामुक गीत लिखने के बारे में इंदिवर काफी स्पष्टवादी थे। हाँ, लोगों को उम्मीद नहीं थी कि इंदिवर ऐसे गाने लिखेंगे, मगर इंदिवर का कहना था कि दक्षिण भारतीय मंदिरों में और भारत के कई अन्य मंदिरों में प्राचीन काल से ही कामुक मूर्तियां रही हैं। आज के लोगों को यह पता नहीं है कि उस जमाने में लोगों का रुझान पूजा पाठ और तपस्या की ओर बढ़ता जा रहा था, और अगर ऐसे ही चलता रहा होता तो सृष्टि संकट में पड़ जाती। बहुत से अज्ञानी पुरुष ब्रह्मचर्य की ओर झुके थे। उस समय के पंडितों ने सृष्टि संकट और क्षति को रोकने के लिए शायद ये तरीका सोचा होगा, ऐसा इंदिवर का मानना था। उन्होंने कहा कि कई मामलों में परेशानी शायद इसलिए भी हुई कि कामुक गीतों को कलात्मक रूप से फिल्माया नहीं गया। 90 के दशक में भी इंदिवर के पास काम की कमी नहीं थी, वे बहुत शीर्ष पर थे, और फिर 300 से अधिक फिल्मों में लगभग 1000 गीतों की एक अमूल्य विरासत को पीछे छोड़ते हुए 27 फरवरी 1997 को अचानक उनका निधन हो गया। इंदिवर मुख्य रूप से इतिहास के उन गीतकारों में से एक हैं जिन्होंने व्यापक गहराई से काम किया और जिनके द्वारा छोड़ी गई गीतों की विरासत को भुलाया नहीं जा सकता। और कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है कि कभी कभी हमारी भलाई, हमारी अच्छाई को लोग हमारी कमजोरी समझ लेते हैं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे सो दुख काहे को होए। भरत जी बचपन से ही प्रतिभा संपन्न थे और उनके अंदर का कवि छोटी आयु से ही प्रकट होने लगा था। देश काल और पात्र का विचार करते हुए जिस दान को दिया जाता है वही सात्विक दान है।
तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस एपिसोड को यहीं रोकते हैं। अगली बार ढूंढेंगे अध्यात्म फिल्म दो आंखें बारह हाथ के गीत में। बोल हैं ए मालिक तेरे बंदे हम, गीतकार हैं भरत व्यास। सब्सक्राइब कीजिए, साझा कीजिए और विश्वास बनाए रखिए विश्व शांति दर्शन में।